الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو ہی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرباب علم دانش محترم بزرگو عزیز دوستو آج یکم جنوری 2020
हम यहाँ रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में 21वीं सदी के पहले प्रोग्राम में दावत और तबलीग की निस्बत से जमा है। मैं सबसे पहले तो तरावी में किताबुल्लाह की समाज की तकमील की शहादत के हुसूल पर दिल की गहराइयों से आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ऐसी अनगिनत शहादतें आपका मुकद्दर कर दे। और अल्लाह सिर्फ अलमारियों में नहीं हमारी जिंदगियों में भी कुरान करीम को शामिल फरमा दे। रमजान और कुरान लाजिम और मलजूम है। रमजान को अगर मैं जिस्म कहूं तो कुरान इसकी रूह है, और अगर मैं इस मुकद्दस महीने को फूल कहूं तो कुरान इसकी खुशबू है। ये इसी ताल्लुक का फितरी मुजाहरा है कि जो ही हिलाल रमजान तुलू होता है कुर्राए अर्श पर कुरान गूंजने लगता है। सजाएं कुरान की दिलावेज सदाओं से मामूर हो जाती है। दोस्तों, दुनिया की कोई किताब इस एहतमाम से नहीं पढ़ी गई। ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है जिस पे 1400 साल गुजर जाने के बावजूद कोई दाग नहीं आया। कदीम जदीद आलम इंसानियत में जितनी भी कुतुब सामने आई हैं, उन सब की अप्रोच, उन सब की रसाई इंसान के दिमाग तक है। सिर्फ कुरान है जिसकी रसाई इंसान के दिल तक है और जमीर तक है। दुनिया के किसी फार्मूले और दुनिया के किसी मुसव्वदे ने इंसानी कुलूब को और इंसानी जमीर को इतना मुतासर नहीं किया जितना कुरान ने किया। यही वजह है आपको पूरी दुनिया में तौरात का एक भी हाफिज नहीं मिलेगा, बाइबल का एक भी हाफिज नहीं मिलेगा, माऊ की रेड बुक का एक भी हाफिज नहीं मिलेगा, और रहमतुल आलमीन के कल्ब अतहर पर उतरने वाले कुरान के हुफाज लाखों नहीं करोड़ों में। और जब से सैटेलाइट पर हरम की तरावी दिखाई जाने लगी है, इस मंजर को देखकर यूरोप चकरा गए। गोरे करीब आकर टीवी की स्क्रीन पर कारी को जांचते हैं, पढ़ जो रहा है इसके हाथ में भी कुछ है कि नहीं। वो ये देखकर हैरत में डूब गए कि दुनिया की हर किताब को पढ़ने के लिए आंखें खोलना पड़ती हैं, ये कैसी किताब है जिसे पढ़ने के लिए आंखें बंद करना पड़ती है। इस मंजर को देख कर भी जिनके मुकद्दर में था हजारों को ईमान नसीब हुआ,
मैं कहां करता हूं? कुरान को कलाम फितरत कहा गया, कलाम फितरत। क्या मतलब? ऐसी बात ऐसा कलाम कि जिसकी तासीर के लिए किसी जोग्राफिया, किसी रंग, किसी नस्ल या किसी तबकाती निस्बतों की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंसान होना जरूरी है। जिस तरह हवा से हर इंसान को सुकून पहुंचता है, जिस तरह सूरज की किरणें हर इंसान के लिए जरूरी हैं, जिस तरह पानी हर प्यासे की प्यास बुझाता है, मैं बगैर किसी मुबालगे के ये बात कह रहा हूं कि कुरान हर बेचैन इंसान को करार पहुंचाता है। मुसलमानों के लिए तो ये दस्तूरी जरूरत है, हमारे लिए तो ये कानून की किताब है। और रजीला किस्मत अल्जब्बार इसमीना, अल्हम्दुलिल्लाह अला जालिक कि हमें कुरान जैसा कानून मिला और रहमतुल लिल आलमीन जैसा मुकन्नन मिला और इस्लाम जैसा स्कूल ऑफ थॉट मिला। हमारे सामने तो इसकी कानूनी हैसियत है, लेकिन एक इसका फैज आम उमूमी फैज है कुरान करीम का। हम दिल्ली के लाल किला में वो मस्जिद देख रहे थे जो हमारे मुगल भाइयों ने अपने घर वालों के लिए बनाई थी। मैं मानता हूं उनमें बहुत सारी कमजोरियां भी थी, लेकिन उनकी खूबियां भी काबिले गौर हैं। उनसे इनकार करना तंगदिली है। असरे हाजिर में अगर किसी को चार पैसे मिल जाते हैं तो उसकी रिहायशगाह के लिए स्विमिंग पूल जरूरी है। मुगल हुक्मरानों ने जहां डेरे लगाए वहां मस्जिद जरूर बनाई, एक अपने लिए बाहर बनाई और एक घर वालों के लिए अंदर बनाई। और उनकी आबरू के आखिरी में नुमाइश के लिए बाहर नहीं निकलते। वो ग्रीन मार्बल से बनी हुई, सब संगे मरमर से बनी हुई मस्जिद है, हम उसको देख रहे थे। जब हम उसमें दाखिल हुए तो एक ऑस्ट्रेलिया की किसी मीडिया की टीम पहले से मूवी बना रही थी उसमें। कुछ उसमें मर्द थे, कुछ उसमें लेडीज थी। मेरे साथ तो 60-70 उलमा का काफिला था। जब हम गए तो हमने उनसे कहा कि प्लीज हम जब तक यहाँ हैं आप ये अपनी कार्रवाई रोक लीजिए, जब हम चले जाएं तो फिर जो मर्जी आए। इसलिए कि अब वो माबद का तस्वुर नहीं रखती वो मस्जिद, अब एक एंटीक है, बस आसार कदीम। हम जब उसके मुख्तलिफ गोशों को देख रहे थे, मुख्तलिफ दादियों को देख रहे थे, तो मेरे दोस्तों ने इसरार किया कि शाह साहब आप इसके मिंबर पे बैठ जाएं और हमें कुरान सुनाएं। मालूम नहीं इसकी सजाओं में कितने अरसे से कुरान न पढ़ा गया हो।
मुझे अपने दोस्तों का ये तकाजा बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने यूं महसूस किया कि जैसे इन्होंने मेरे दिल की बात कह दी। मैं बैठ गया और तकरीबन 5 घंटा तक मैं कुरान पढ़ता रहा। इस दौरान हमको जो कैफियत तारी हुई वो भी मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश लम्हा है। ये रूहानी सफर में कैफियत कभी कभी तारी हुआ करती। मैं अभी मौलाना से अर्ज कर रहा था, मौलाना ने फरमाया कि आप बहुत अच्छा बात आए हैं और हम बहुत प्यास हैं, हमारी प्यास बुझानी है। मैंने कहा ये बात अल्लाह से कहो, इस बात का ताल्लुक मुझसे नहीं। मेरा हाल यह है कि मैं थका हुआ बीमार सा इंसान हूं। रात में इस वक्त कराची में था और वहां से फिर फसल की खराबी की वजह से कुछ फ्लाइट लेट होगी हुई, जहां भी रावलपिंडी में भी मुझे आराम नहीं मिल सका। कल यहीं से जुमा पढ़ाते गया था मैं कराची 4 बजे के जहाज। आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं, जिसकी जिंदगी के शबो रोज इस तरह गुजर रहे हूं, वो हुजूर फिक्र नजर कहां से लाए। हाँ, अल्लाह सब शय के कादिर है, वो चाहे तो तिनकों से शकीरों का काम ले ले, वो चाहे तो तिनकों को शतीर बना दे और शतीरों को तिनकों से भी ज्यादा कमतर कर दे, सब उसी के इख्तियार में। तो कैफियत में हमने तिलावत की, रिक्कत तारी हुई। जब मैंने तिलावत खत्म की हमने आंसू पूछे, अब जो नजर उठा के देखा तो वो सारी टीम सामने की दीवार के साथ यूं लगी खड़ी थी, कैमरे बगल में दबा रखे थे और जेब से टिश्यू निकालकर उन्होंने भी आंसू पूछे। अब ये एक क्वेश्चन है, संशय जिसका आंसर आज तक मुझे नहीं मिल सका कि हम तो इसलिए रोए कि कुरान हमारा है, उन्हें किसने रुलाया। ये मेरे उस दावे की दलील है कि नामुमकिन है कि कोई प्यासा पानी पिए और उसकी प्यास न बुझे, हवा चले और हबस के मारे हुए किसी जी रूह को सुकून न मिले, नामुमकिन है कि कोई बेचैन इंसान कुरान सुने और उसका दिल मुतासर न हो। ये नामुमकिन। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस सिलसिले में, एक जाती तजर्बा है वो मैं बयान किया करता हूँ। मित्रों से मैं सैन फ्रांसिस्को के लिए मुसाफिर था। मेरा मामूल ये है, मैं जब इंटरनेशनल सफर करता हूं तो बोर्डिंग कार्ड लेते वक्त काउंटर पर मैं फ्रंट एरिया की कोई विंडो सीट चार्ज करता हूं कि भाई मुझे आगे कहीं फेंक दो बस। वो एक किस्म का खुश है, तन्हाई होता है, मुताला करता रहता हूं, तस्वीर पढ़ता रहता हूं, पता नहीं कितनी किताबें वहीं भूल गई और कितनी तस्वीरें वहीं रह गई। सेवन बड़ा जहाज इस वक्त जो दुनिया में है जिसमें 450 मुसाफिर आ जाते हैं, उसमें इस हुलिये में मैं अकेला मुसाफिर था। बाकी गोरे थे या काले थे, सब मगरबी लिबास में, इस हुलिये में मैं अकेला मुसाफिर था। तो उनके लिए फिर मैं एंटीक बन गया, सारे कदीमा बड़े गौर से वो मुझे देखते रहे, ये अजीब चीजें कहां से आ गई। दावत और तबलीग के हवाले से हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबल्लिगीन की पहली जमात जब पेरिस में गई तो फ्रांस की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 1973 की बात। फ्रांस की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल नहीं ले गए, अस्पताल ले गए। और 3 रुकनी एक तिब्बी तहकीकाती पैनल उन्होंने मुतय्यन किया, 3 डॉक्टरों को ये ड्यूटी सौंपी गई कि इनका चेकअप करो और इनको देखो ये मेंटली सेट है या अपसेट।
बड़ा हुआ शेर, खीले थाले कपड़े, क्या चीज है इनको सकत। तीन डॉक्टरों ने उन्हें एक हफ्ते का चेक किया। हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट दी तो कहने लगे ये सिर्फ सेट नहीं है, हमसे भी ज्यादा सेट, हार्ट, ब्लड, एवरीथिंग, एवरीथिंग ओके। और तीन में से दो डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल कर दिया। ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट था वहां पे। आज फ्रांस में मिलियन, कई मिलियन मुसलमान हैं। इस्लाम फ्रांस का दूसरा बड़ा सरकारी मजहब है। और मैंने पिछले साल वहां पर तीन चार दिन गुजारे हैं कनाडा और अमेरिका से वापसी पर। तो शेख मोहम्मद यूनुस यमनी जो हमारे यूरोप के अमीर हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त पेरिस में इस्लाम कबूल करने वालों की परसेंटेज हर रोज यहां आकर कंटिन्यूस तबलीगी मरकज में इस्लाम कबूल करते हैं वो 12 से 15 के दरमियान हर रोज गैर मुस्लिम रहमत आलम की गुलामी में आ जाते हैं। वो उनका प्रेसिडेंट मित्रा खान जी, उसने ये सब कुछ देखा तो कहने लगा कि हो सकता है मैं भी मोहम्मद मित्रा बन के मरूं, लेकिन वो बन के मरा नहीं बेचारा, मित्रा ही बन के गया। मैं याद कर रहा था, बड़े और से वो मुझे देखते रहे, बात जोड़े तो अपनी निशिस्तों से उठकर मेरे करीब आ गए, निगाहों से मेरा एक्सरे लेते। उसने मूवी भी बनानी चाहिए तो मैंने उन्हें रोका, जहाज टेक ऑफ कर गया तो क्रू का एक आदमी मेरे पास आया, हमले का एक आदमी, कहने लगा हमारा जो कैप्टन है वो आपसे बातें करना चाहिए, अगर आप महसूस न करें तो वो कचू के वहां का सच में जहाज चला रहा है, आप चले वहां। मैंने कहा भी मैं क्यों महसूस करूं, मैं इसी काम के लिए जा रहा हूं वहां सैन फ्रांसिस्को, जाके भी मैंने कोई तावीज फरोशी नहीं करनी, मैंने वहां जाके इलाज करना है। अब अगर सफर के दौरान ये शहादत मिलती है तो मुझे क्या, मुझे मेरे लिए खुशी की बात है, मैं जरूर चलूंगा। वो मुझे ले गया तो दो हजरात वो बैठे थे काफ तक में, एक सीनियर उसके साथ जूनियर, बीच में छोटा सा टेबल, उस पर कुछ बॉटल कुछ ग्लासेज रखे थे, मुझे देख कर हाय कहा, मैंने वालेकुम हाय कहा। और क्या कहता भैया, उनके यहाँ यही सलाम है। फिर उसने कहा कि जोर फ्रॉम इंडिया, मैंने कहा नो आई फ्रॉम पाकिस्तान, जोर मुस्लिम, यस अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। फिर मैंने उससे पूछा तुम क्या हो, उसने कहा मैं किसी मजहब को बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ आदमी हूं। तो मैंने कहा अल्लाह गॉड, उसने कहा आई डोंट बिलीव गॉड, मैं अल्लाह को भी नहीं मानता। यानी घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी यानी बात अल्लाह की है, पहचाने वाले रहमत आलम है, रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब कहता है अगर सारी कायनात मेरी फरमाबरदार बन जाए, कोई एक भी नाफरमान न रहे, सारी कायनात मेरी इताअत गुजार बन जाए, फरमान बरदार बन जाए, मेरी अजमत में एक राई के बराबर इजाफा नहीं होगा, और अगर सारी कायनात मेरे वजूद का भी इनकार कर दे तो मेरी अजमत में एक राई के बराबर कमी नहीं आएगी। किसी के इकरार या इनकार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त भी दुनिया में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो अल्लाह को नहीं मानते, तो मानने वाले भी हम जैसे नालायक हैं। अल्लाह को मानने वाले ऐसे होते हैं, हम तो अपने नफ्स की बंदगी करते हैं। हाँ यकीन कीजिए मस्जिदों को देखता हूं तो मैं अफसरदा हो जाता हूं। हमने मस्जिदें ऐसी बना डाली हैं कि जहां हमारे नफ्स को सुकून मिले
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कच्ची जमीन पे सजदा फरमाया, कच्ची जमीन। मैं कहा करता हूँ पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे, अब मस्जिदें पक्की बन गई हैं, नमाजियों का वो हाल है जो आपके सामने। अल्लामा कहते हैं वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। नमाजें तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले तो वो बहुत अजीम है और हम बहुत छोटे हैं। लेकिन मेरे गिरामी कदर दोस्तों, आप तो बहुत अल्लाह के करम वाले लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये बातें मैं अपने हवाले से, अपनी बात के हवाले से कर रहा हूँ कि अभी तक नमाज हमारे दिल में नहीं उतरी, ऊपर ऊपर से है। फिर अल्लामा की बात कर देता हूँ, दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, अभी तक नमाज दिल में नहीं उतरी। जब दिल में उतर जाएगी तो जिंदगी तब्दील हो जाए। कहने लगा अल्लाह को भी नहीं मानता। फिर मैंने कहा आए कहां से हो? उसने कहा बस भाई साहब बारिश होती है, पौधे उग पड़ते हैं, हम भी उग पड़े। अब जाहिर है बातें तो बड़ी अजनबी थी लेकिन मुझे वो बहुत प्यारा लगा, इंसानी नुक्ते नजर से मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं कुरान के लहजे में इससे कुछ तफसीली बातें करूंगा और इसे मैं बताऊंगा कि तू बाई चांस नहीं आया, बाई चांस आया। तो अपने अमल का आगाज करने से पहले भी देखने में नानसाफी हो जाए तो माफ कर दूंगा, ऊपर भी जिन्नात जमन है, आप भी भाई माफ करना नहीं है, देखने में कुछ नाइंसाफी हो जाए तो। अपने काम का आगाज करने से पहले मैंने अल्लाह से दुआ की, जैसे कि मैं भी हाईजैक कर रहा था, अपने अपनी हाईजैकिंग होती है ना। कुछ लोग गन से गन पॉइंट पर हाईजैक करते हैं पायलट को, मैंने कुरान पॉइंट पर उसे हाईजैक करने का इरादा कर। सबसे पहले अल्लाह के हुजूर मैंने दुआ की सिंह की जुबान से, इलाहुल आलमीन मैं तेरी बात इसके दिमाग तक पहुंचा सकता हूँ, तू अपने कर्म से इसके दिल तक पहुंचा। इसलिए रावलपिंडी के दोस्तों, दिलों पर अल्लाह का कब्जा, दिलों पर सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। अगर दिल पर किसी और की हुक्मरानी होती या किसी का बस चलता तो मैं यकीन से ये बात कहता हूं कि मेरे नूह का बेटा किनान जहन्नम में न जाता, वो बदल देते होते। सैयदना इब्राहिम का बाप आदर जहन्नम में न जाता, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। और जब उसका कर्म सामने हाल न हो तो नबी की बात भी ऊपर ऊपर से गुजरती है। लोग कहते हैं बयान में तासीर नहीं, मैं कहता हूं दर्द सीधा नहीं। हमारे माजी करीब के एक रोशन जमीर गुजरे हैं, बड़ा मारूफ नाम है, सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम, ये बलख और बुखारा के बादशाह, और जो तो बादशाहों की जिंदगी होती है उसी तरह की जिंदगी थी उन्हें, उनकी मादा परस्त, सोने के लिए खाबगा आए, बेडरूम आए तो देखा कनीज सोई हुई है, वो जो घर की खादमा है काम करती है वो शाही बिस्तर पे सोई हुई। दाइया ये हुआ कि वो बिचारी शाही बिस्तर बिछाते हुए सोचने लगी बड़ा पुरसकून है, इस पर सोने वाले को कितना सुकून पहुंचता होगा। इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, खुद को तन्हा पाया तो लेट गई कि जरा लेट के तो देखूं दो चार लम्हे
इस पर सोने में कितना सुकून मिलता है, जरा लेट कर तो देखो। अब संग्रेजों पर लेटने वाले जिस्म को जो शाही बिस्तर की नरमी और गर्मी मिली, वो बेचारी नींद की आगोश में चली गई। ये नींद की आगोश में चली गई और बादशाह साहब हाथ में दुर्रा लेके आ गए। उन्होंने प्रोटोकॉल को डैमेज होते देखा, शाही बिस्तर पे दो टके थी कनीज जगाया भी नहीं, दुर्रों की बारिश कर दी, दुर्रे पर आए और वो बिचारी बदहवास होके उठी। देखा बादशाह गजबनाक खड़ा हुआ है, आंखें सुर्ख है और हौलनाक अंदाज में देख रहा है। रोते हुए उसने माफी मांगी, गलती हो गई है बादशाह जी, माफ कर दीजिए। फिर ऊपर देखकर हंसने लगी। बस उसका ये हंसना इब्राहिम इब्ने अदहम की दिल की दुनिया में इंकलाब को पा। कहने लगा तेरा रोना तो समझाऊ, हंसती क्यों? वो कनीज कहने लगी, हंसने की वजह बताऊं तो और मार खाऊ? उसने कहा नहीं, कोई मार वार नहीं पड़ेगी, बताओ क्यों हंसती हो। कहने लगी अच्छी बात है, अगर इजाजत है तो फिर बताती हूँ। रोई तो इसलिए हूँ कि तेरे तालुक ने मेरी चमड़ी उधेड़ डाली। बादशाह जी हंसती इसलिए हूँ कि कैसा बिस्तर है, 5 मिनट सोई हूँ, 5 चाबुक नक सजा मिल गई है, जो सारी जिंदगी सो रहा है पता नहीं उसे कितनी मार पड़ेगी। हामिया ये बिस्तर बड़े मुश्किल होते हैं, जाते औखे होंगे मेरे बिस्तर, इस बिस्तर पे सोने वाले आजकल गांधी जेल में सो रहे। और ये तो अभी यहाँ की जेल है, अगला मरहला तो बाकी है। मुझे रात एक दोस्त मिले वहां मलिक के, उन्होंने बताया अपना गांधी के, मैं उसी जेल में काम करता हूँ, और मियां साहब को ज्यादा मच्छर गंज पे काट। मेरे गिरामी कदर बुजुर्गों और अजीज दोस्त, कनीज की जुबान से ये जुमला निकला और इब्राहिम के दिल की दुनिया को बदल के रख दिया। सारी रात रोता रहा, सुबह हुई मुशीरों वजीरों को बुलाकर कहने लगा, संभालो तख्त और ये रहा ताज, ये दर्दे सर तुम्हारे हवाले। वो बात जो बड़े बड़े इदारे न समझा सके, बड़े बड़े स्कॉलर और दानिश्वर न समझा सके, मेरी कनीज ने मुझे समझा दी है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। वो जो दो टके का बादशाह था, फिर ऐसा बदला अल्लाह के करम से, ऐसा बदला कि अपने दौर में सुल्तानुल औलिया बन गए। इब्राहिम इब्ने अदहम जो है रहमतुल्लाह तआला अलैह, अपने वक्त के सुल्तानुल औलिया है। ये अल्लाह के करम की बात, जब उसका करम हो जाता है तो एक मुख्तसर की बात भी बदल डालती है, और अगर उसका कर्म शामिल हाल न हो तो बड़े बड़े इदारे भी कुछ नहीं कर सकते, और किताबें भी कुछ नहीं कर सकती, और मुअल्लिम भी कुछ नहीं कर सकते। सूरह बकरा की इब्तदा किन अल्फाज से हो रही है, आ अंदर कहूं हम लम तुंजिर हूं ना वो मिनून, खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समिहिम वाला अबसारिहिम रिसाव, मैंने अल्लाह से दुआ की, इलाहुल आलमीन मैं तेरी बात इसके दिमाग तक पहुंचा सकता हूं, दिल तक पहुंचाना मेरे बस में नहीं, वो तू करम फरमा। जहाज टेक ऑफ कर गया था, हम 50,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पे थे, पॉल्यूशन के ऊपर चले गए, चांद निखरी हुई रोशनी के साथ, निखरी हुई ताबानी के साथ मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा अपने दोस्त को, लुक दमोन, मैं यहीं से शुरू करता हूं, ये देखो ना, कुरान पाक ने फरमाया, वसखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन,
ये दाई बहन क्या है? हाँ दायरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पुराने जमाने में जो मकान बनते थे बड़े लोगों के जो मकान बनते थे, हवेलियां बनती थी, किले बनते थे, दरमियान में बैठने की जगह और उसके इर्द-गिर्द घूमने की जगह होती थी, जिसको उस दौर में गुलाम गर्दिश कहा जाता था फारसी में। उसमें खुद्दाम हर वक्त घूमते रहते थे कि हमारे आका को हमारी जरूरत पड़े और वो यूं करके जो बुलाए तो हाजिर होने में देर न हो जाए। आजकल हम गुलाम गर्दिश को गैलरी कहते हैं, थोड़े से उसलूब बदल गए हैं। ये दाए बैन जो है ना, इसको मैंने जब गौर किया तो मेरे जमीर में, मेरे विद्वान में ये मफहूम आया कि अगर मैं इस कायनात को एक खरौंदा कहूं जिसमें इंसान बैठा हुआ है, तो फिर फजा की गैलरी में चांद और सूरज गुलाम गर्दिश में घूम रहे हैं कि मेरे मखदूम को जब भी जरूरत पड़े हम हाजिर हो जाए। فَرْمَيَا وَتَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَتَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ। हमने तुम्हारे लिए चांद और सूरज को पाबंद कर दिया, मुसख्खर कर दिया। एक तुम्हारे दिनों को रोशन करता है, एक तुम्हारी रातों को नूर से हम किनार करता है। सदियां गुजर गई, मुझे ना मानने वाले, मेरे वजूद का इनकार करने वाले, हाथ में कलम और कागज लेकर इंतजार कर करके कब्रों में चले गए। कभी सूरज देर से आए, कभी चांद देर से डूबे, और हम एतराज नोट कर सके, कौन है इस कायनात का मुदब्बिर? ये सब अफसाने, ये सब कहानियां हैं। देखो सूरज देर से निकला, चांद देर से डूबा। पुराने कई ने फरमाया, तुम्हारे निजाम पर हम होते रहे हैं, हो रहे हैं, हुआ करेंगे, लेकिन सदियां गुजर गई। जब से ये कायनात वजूद में आई, न सूरज ने दफ्तर हाजरी में देर की है, न चांद ने दफ्तर हाजरी में देर की। ठीक अच्छा इतना नर्स है कि मुझे जरा इंतराज होता है इन बात बता। आप सुने, बहुत ज्यादा तबीयत में जोश आए तो सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह को याद करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। हाँ, कुरान करीम ने फरमाया, कुल अराई तुम إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون। देखते नहीं और आई तुम, क्या देखा तुमने? किसके कर्म से दिन जाता है, रात आती है, रात जाती है, दिन आता है। एक लम्हे की भी दिन में आने में देर नहीं की, एक लम्हे की भी रात में जाने में देर नहीं की। डहरिया डहरिया, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी इसी निजाम से अपनी घड़ियां ठीक करते हैं। पुराने करीब में फरमाया, अगर मेरा रब रात को हुक्म करे कि रुक जा और रुक भी कयामत तक,
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. अगर अल्लाह रात को कयामत तक के लिए रुक जाने का हुक्म दे दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो है कोई तुम्हारे पास इस्तेमाल करने, है कोई मुतबादिल कुव्वत, अल्लाह रोक दे और वो दिन को ले आए। अल्लाह अगर दिन को रोक दे कयामत तक के लिए रुक जा, तो तुम्हारे पास किसका कोई अल्टरनेट, कोई मुतबादिल, कोई पावर। हम रात को रोक दें दिन लाने वाला बताओ, हम दिन को रोक दें रात लाने वाला बताओ। किसके काम से हम दिन को लाते हैं, रात को ले जाते हैं, फिर रात को लाते हैं, दिन को ले जाते हैं। यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल, किसके कर्म से ये गर्दे से लैलो नहार जारी है, वो कौन है जिसका ये एहसान है। ये अमेरिका की मेहरबानी से हो रहा है, अमेरिका सुपर पावर बनता है पत्थर का उल्लू। थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तब ये साफ होने लगती है। बारिश क्या, मुनी का बिगड़ जाए तबीयत साफ होने लगती है, सुपर पावर बनता है। मेरे गिरामी कदर बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, जितनी मेरे पास सलाहियत थी, जितनी मेरे पास इस्तेदाद थी, मैं कुरान करीम की बात, कुरान करीम की सदाकत, कुरान करीम की सच्चाई उसे समझाता रहा। मैंने कहा ये चांद अल्लाह ने तेरे लिए बनाया, सूरज अल्लाह ने तेरे लिए बनाया, वसखरलकुम अनहार, ये लैलो नहार तेरे लिए बनाए हैं, अलम नजअलिल अर्ज मिहादा वल जिबाल अवतादा वखलकनाकुम अज़वाजा وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا। कौन अपने कर्म से तेरे नमकीन और तेरे कड़वे पानियों को उठाता है, बुलंदी पे ले जाता है, और फिर अपने कारखाने कुदरत में उसे फिल्टर करके मीठा और ठंडा बनाता है, फिर उसे भाप की सूरत में हवाओं के सुपुर्द करता है। ले चलो इसे मेरे बंदे, जब प्यासी निगाहों से मेरी तरफ देखे तो ताना भी न दो, अबरे कर्म से दामन भर दो। और आय अल्लाह, हम इस वक्त बहुत प्यासे हैं, हमारा जुगराफिया बहुत प्यासा है। या रब्बल आलमीन, तू अपने कर्म से हमें बराने रहमत अता फरमा। कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। और आपने अज़्म के साथ उसमें आना है, आज भी हजरत यूनुस जब नाराज होकर चले गए और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये नाकाबिले इलाज है, इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, कौम ने उनकी बात ना मानी, नाराज होकर चले गए। वो चले गए आसार देखकर कौम ने कि अल्लाह नाराज मालूम होता है, उसने अपनी नेमतें वापस लेना शुरू कर दी है, पैगंबर भी नाराज होकर चला गए। तो वो कौम अपने बच्चे, अपने ज़ईफ, अपने जानवर, अपनी औरतें सबको लेकर मैदान में आ गई और कहा या अल्लाह, हम तो कितने रूसिया और कितने नालायक हैं कि तेरे हुजूर दामन फैलाते हुए भी हया आती है। हाँ, जब हमने तेरी नहीं मानी तो किससे क्या मनवाए, किससे क्या बकायदा करे।
लेकिन ये तेरी कमजोर मखलूक, ये ज़ईफ, ये बीमार, ये बच्चे, ये मवेशी, ये अनाथ, या अल्लाह इनके हाल पर करम कर दे, हमें माफ कर दे, हम आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, तेरे नबी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम तेरी भी इबादत करेंगे और तेरे रसूल की भी इताअत करेंगे। तो अल्लाह ने अपने गजब का फैसला करम में बदल दिया, उसे आजाद हटा दिया। कौम नूह आज भी न कर सकी, मिट गई। कौम यूनुस ने आज भी की, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। तो रावलपिंडी के दोस्तों, मैं कहा करता हूं, जो अल्लाह हजरत यूनुस की कौम को माफ करने में इतना रहीम और करीम है, वो अपने महबूब की उम्मत को माफ करने में कितना रहीम और करीम है। मुझसे ह्यूस्टन की यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक रिसेप्शन दिया और मुझसे पूछा कि इस्लाम में जन्नत का क्या तसव्वुर है, कैसे मिलती है। मैं क्लोज़ में था, मेरे पास बहुत कम वक्त था, मैंने कहा भी कोई तवील गुफ्तगू तो मैं कर नहीं सकता हूँ। मुख्तसर से जवाब यह है कि इस्लाम में जन्नत के ये कॉन्सेप्ट है कि बाकी सारी उम्मतें जन्नत की तलाश में है, जन्नत रहमत आलम की उम्मत की तलाश में। और इसके लिए फिर मैंने वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सामने रखी, उसको कोट किया कि जब बनी इसराइल ने गलती की, पता है गलती क्या थी, गाय के बच्चे को मुश्किल कुशा बना लिया, बछड़े को हजरत साहब बना लिया। हाँ, ये बछड़ा जिसकी तरफ जू करके देख ले उसका डेरा पार। और ये बछड़े का जो पाव है, ये जिस तरह आ जाए बस वो कीमिया। इस किस्म के तवहमात और तसव्वुरात से वाबस्ता किए। हजरत करीम वापस आए, सूरत हाल को देखकर पता चला अल्लाह बहुत नाराज है, तो अपनी कौम से कहने लगे तौबा करोगे तो हलाकत और बर्बादी से बचोगे, और अगर तौबा नहीं करोगे तो हलाकत और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। कौम ने कहा जी तौबा करते हैं, क्यों तौबा ना करें, जरूर करते हैं, हम वुजू बनाते हैं, नवाफिल पढ़ेंगे, फिर तौबा करेंगे। हजरत करीम ने फरमाया ये नफलों वाली तौबा नहीं है, वुजू वाली। पहाड़ पर चढ़ो मरी पे, मरी का पहाड़ तो फिर भी ढलवान है ना, वो दूर है। साउथ अफ्रीका में मैंने एक पहाड़ देखा दर्बन जाते हुए, जोहान्सबर्ग से दर्बन जाते हुए 4,500 फुट की बुलंदी है, और उसका किनारा इस तरह है जैसे किसी नीलू लंबे खंजर से कुदरत ने उसे यूं काट दिया हो, इस तरफ को रहने दिया, इस तरफ को साफ कर दिया। ये गहराई है और ये 4,000 फुट से ज्यादा बुलंदी है, यूं दीवार बनी हुई है जैसे खंजर से काट दिया। फरमाया इस बुलंदी पे चढ़ जाओ, पत्थर बांध लो सीने से और छलांग लगाओ, ये तुम्हारी तौबा है। कहने लगे फिर यूं कहो मारना है, इसका नाम तौबा क्यों रखते हो, कितने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाना कोई कम है कि पत्थर भी बनवाते हो। पर मैं हाँ मारना है, तौबा उसी की कबूल होगी जो मर जाएगा, और जिस मरदूद को मौत भी कबूल न करे उसकी तौबा भी कबूल नहीं। इसलिए पत्थर बनवा रहा हूं कि तुम्हारी मौत यकीनी हो जाए, आखिरत की हलाकत और बर्बादी से बच जाओ। अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आए हैं रूहुल अमीन जिब्राइल, आए कलीम तेरी उम्मत की तौबा तो यह है, एक कमिंग उम्मत है, एक उम्मत आ रही है, जानते हो उनकी तौबा कैसे होगी। सोचा जब हमारी तौबा ये है जो बाद में आ रहे हैं उन पर तो फिर बिल्डोजर फिरेंगे, वो तो टुकड़े टुकड़े होंगे, तब जाके अल्लाह राजी होगा। फरमाया नहीं, जो आ रहे हैं उनकी तौबा ये होगी कि जिंदगी भर की खताएं, जिंदगी भर के सहारे जमा करके वो मेरे दर पे आएंगे, रोने की कोशिश करेंगे, बाद ऐसे खुराक होंगे उन्हें रोना भी नहीं आएगा, रोए बगैर कहेंगे या अल्लाह बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गलतियां की हैं, तू अपने कर्म से हम गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी गलतियों को मुआफ कर दे। तो फरमाया मैं इसी पर उन्हें मुआफ कर दूंगा।
किसी से बोला माफ कर सको। हजरत करीम ने अर्ज किया राहुल आलमीन ये उम्मत भी मेरी है, मेरी उम्मत का हिस्सा है ये लोग भी। फरमाया नहीं ये तेरी उम्मत नहीं है, ये मेरे महबूब की उम्मत है, ये रहमत आलम की उम्मत है। सारी उम्मतें जन्नत की तलाश में हैं और जन्नत मोहम्मद अरबी की उम्मत की तलाश में है। वो रिसेप्शन का जो सेक्रेटरी बना हुआ था वो क्रिश्चियन था, खुद वो क्रिश्चियन था। कहने लगा फिर तो इस्लाम में जन्नत बड़ी सस्ती है, वेरी इजी। मैंने कहा हाँ बेटा थी तो नहीं इतनी सस्ती, किसी के आंसू ने इसे सस्ता बना दिया। थी नहीं इतनी सस्ती। عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن كل ليلة مخدومة المسلمين سيدة عائشة صديقة فرماتي ہے ایک رات میرے محبوب نے इस आयत को दोहराते हुए और आंसू बहाते हुए गुजारा। रात थक गई ये न थके सारी रात, अच्छाए मुसलसल की बारिश में इन तो अजीब हूं फई बहादुर इन तो अजीब हूं फई बहादुर إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إله العالمين اگر تو میرے نام لیوا یہ میرے امتی معصوم تو نہیں ہے ٹھوکرے کھاتے آئے ہیں غلطیاں کر کے آئے ہیں گناہوں کے ہجوم لے کے آئے ہیں اب اگر تو انہیں ان کی خطاؤں گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے تو تیرے بندے ہیں تجھے روکنے والا کون اگر تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تجھے روکنے والا کوئی نہیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں اتنا روئے ہیں بیس رکعتیں پڑھ کر بے ہوش ہو جانے والوں جھوٹتے پھرتے ہیں کوئی دلیل مل جائے صرف آٹھ رکعتیں ہو میرے دوست پوچھتے ہیں بڑا پیارا دوست ہے میرا بہت ہی پیارا دوست ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں برمنگھم میں کہنے لگا شاہ صاحب حضور نے تو آٹھ پڑھی ہے نا میں نے کہا چودھری صاحب حضور نے با جماعت نہیں پڑھی حضور نے کبھی آٹھ کبھی دس کبھی بیس کبھی کم کبھی زیادہ اور پانچ جماعت تو ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی مسجد میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھی گھر میں پڑھی ہے تہجد کے وقت پڑھی ہے پھر اگر اتباع سنت کا شوق ہے تو تہجد کے ساتھ پڑھا کرو گھر میں پڑھا کرو کبھی آٹھ کبھی دس کبھی بیس پڑھا کرو پوری کا اتباع اتباع کا طریقہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ فاروق اعظم کو آتا ہے اور صرف فاروق اعظم نہیں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیس رکعت پڑھی ہیں اور آج بھی حرم میں بیس رکعت اللہ کو پسند ہے اس لیے پڑھی جا رہی ہے میرا ایمان یہ ہے نہ میں قید کرتا ہوں نہ میرا یہ ذوق ہے نہ میں نے آج تک یہ بات کی ہے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میرے منہ سے آج یہ بات نکل رہی ہے اس لیے کہ میرا یہ ذوق نہیں ہے میں مسلم برادری کو متحد دیکھنا چاہتا میں مسلم برادری کو ایک دیکھنا چاہتا میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو میرا پلیز یہ ہے کہ حرم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کی وہ اللہ کی مرضی کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا
तीसरा तक पड़ी जा रही है और हम खड़े होते हैं इस इंतजार में, आज पूरी हुई और प्रवास करें और घर जाके टीवी के आगे बैठ जाए। या सिगरेट थूकते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर आजी की रावलपिंडी की रोशन जमीरों कायनात की हर शय अल्लाह की तस्वीर करती है। कायनात की हर शय इन शय इल्ला यसब्बहु बिहमदिही वलाकिन ला तफ़क्कहूना तस्बीहहुम, हर शय अल्लाह की तस्वीर में लगी हुई है लेकिन एक तस्वीर करने वाला ऐसा है इस कायनात में, सिर्फ एक जिसके जिक्र इबादत और तस्वीर को देखकर रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे महबूब सारी रात मेरे जिक्र इबादत में गुजार देते हो, रातें थक जाती हैं, तू नहीं थकता अपनी खुशी के लिए, मेरी याद में मेरे जिक्र में खड़े रहते हो, तेरा दिल यही चाहता है अपनी खुशी के लिए कुछ देर सो जाया करो ना मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी यह है कि मैं तुझे आराम करता हुआ देखूं। अल्लाह के किस महबूब ने पूरी रात रो रो कर ये दुआ की है, अपने इस मोहसिन के एहसानात को याद रखने की तौफीक अता फरमा। तो कल हम आज भी करेंगे अल्लाह के हुजूर बाप ने ना ना ऐसा नहीं है, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं कहाँ छोड़ूंगा इतना जल्दी। ये जो असल में ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो तरह आपके दिल में रोशन है वही तरह अल्लाह ने मेरे दिल में भी रोशन कर रखा है आपके लिए। मैं बैठा हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं सुबह आप ये ना कहें और आपका नफ्स ये ना कहे कि शायद आप रात को इतनी देर तक हमें बिठाए रखा और आप कहते हैं कि 10 बजे वहां आ जाओ, मैं ये नहीं सुनना चाहता। इंशाल्लाह आपने 9:45 बजे वहां पहुंचना है, 9:45 बजे। जी मैंने अपने उस दोस्त से कहा ये तूने कैसे कह दिया भाई कि मैं पहचान पाया, तो भाई चाइस आया है ये सारी कायनात अल्लाह ने तेरे लिए बनाई है, रात का अंधेरा तेरे लिए, सुबह का सवेरा तेरे लिए, अनादिल की चहक तेरे लिए, सब्जे की लहक तेरे लिए, फूलों की महक तेरे लिए, सितारों की चमक तेरे लिए, सूरज की ताबानी और चांद की दरख्शानी तेरे लिए, ये निजाम कायनात सब का सब अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है, तो सिर्फ उसके लिए है, तुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया, बाकी ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है और तुम मेरे लिए। इस पर कहने लगा ये फलसफा किसने दिया है, ये थ्योरी आलम इंसानियत को किसने दी है, ये लेसन किससे मिला है। मैंने कहा मोहम्मद अरबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, मोहसिन इंसानियत ने दिया है, पैगंबर इस्लाम ने दिया है। तो कहने लगा फिर पहले मुझे उनका गुलाम बनाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने आसमान के दामन में उसे कलमा पढ़ाया और उसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का ऐलान किया। ये मैंने आपकी खिदमत में इसलिए रखा है अपना एक जाती तजर्बा कि मैं अपने उस दावे की दलील आपके सामने रख सकूं कि जिस तरह पानी हर प्यासे की प्यास बुझाता है, कुरान करीम भी हर बेचैन को सुकून देता है, जिसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां नहीं मुतमईन कर पाई, जिसे बड़े बड़े स्कॉलर और बड़ी बड़ी बुक्स नहीं मुतमईन कर पाई, कुरान करीम ने उसे जीत लिया। इसलिए मैं लौट आता हूं अपनी उस बात पर कि
کہ اللہ کرے قرآن ہماری عملی زندگیوں میں آ جائے, عملی زندگیوں میں. مجھ سے ایک نوجوان نے وہیں یورپ میں کھڑے ہو کے پوچھا تھا, صحابہ کے پاس بھی قرآن تھا, ہمارے پاس بھی قرآن ہے, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. ان کا کہنا ہوائیں مانتی تھی, ان کا کہنا دریا مانتے تھے, ان کا کہنا جنگل کے درندے مانتے تھے, ہماری بات کو دیویاں بھی نہیں مانتی. ٹھیک ہے, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. میں نے کہا وہ بائی چانس مسلمان تھے, ہم بائی چانس مسلمان ہیں. انہوں نے اسلام کو سوچ سمجھ کے اپنایا, اور میں سب کہتا ہوں کہ اب تو اسلام ہمیں چپکا ہوا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں جب اخبارات پڑھتا ہوں, اچھے اچھے لوگ میں جن کے بارے میں حسن ظن بھی رکھتا ہوں, وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے, تاکہ پھر یہ چور اسمبلی میں آئے. اصل بات یہ ہے ذرا سائز کم ہو گیا ہے. چہرے پہلے جو ان کے پیپل کے تھال کی طرح تھے, جیسے پیپل کا تھال ہوتا ہے نا, سیاست دانوں کے چہرے یاد ہے آپ کو؟ توبہ توبہ. پھر وہی جمہوریت چاہیے, جمہوریت پاکستان کو بتا سکتا. پاکستان کو اسلام نے بنایا, پاکستان کو اسلام ہی بتائے گا. ہم ایسی جمہوریت پر سے حرفی بھیجتے ہیں, جیسے سے حرفی ہے نہیں تو چار حرفی ہے, لام عین نون سے چار حرفی ہے نا محاورے میں, سے حرفی. ہم ایسی جمہوریت اور ایسے سسٹم پر لعنت پھیرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس قسم کے لٹیرے اسمبلی میں جا بیٹھے. نہیں چاہیے ہمیں یہ, ہمیں رحمت عالم کا نظام چاہیے. ہم سپر خدا کی قسم, اگر اسلام آ جائے یہاں پر, اللہ کے بعد دھرتی پر آپ سب سے بڑی طاقت ہوں گے, اس لیے کہ آپ پر اللہ کے کرم کا ہاتھ ہوگا. کہیے نا کلنٹن سے, کہیے نا افغانستان کا بال نکا کر کے دکھائے, سب کی ایمان بھر گئے. واجپائی بھی ووٹوں پہ زبان پھیر رہا ہے, اور میں نے آپ بھی کہا, بہت بڑا جلسہ تھا رات میرے سامنے کراچی میں, میں نے کہا واجپائی کو بتا دو اب پاکستان میں تیرے دوست نہیں رہے, تیرے دوست جیل میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ, اور جیل سے ہمیں سفر قربانگی ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپس میں دوستوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے, وہ زرداری بڑا شیطان ہے. سنا ہے صبح سویرے میں بھی وہ ٹہلتا ٹہلتا قریب سے گزرتا ہے, نہیں صاحب کے اور یوں ٹھیک جگہ پہنچے ہوئے ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دونوں کو وہیں آباد رکھے. پاکستان کو اسلام چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اٹھائیں تو جمہوریت چاہتے ہیں. دیکھا یہ میری قوم ہے, یہ میری قوم ہے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ موجودہ سطح اہتمام کرے, ریاست بھر میں لوگوں کو بلائے, اور اب تو مزید ان لوگوں سے پوچھے گا تمہیں جمہوریت چاہیے اسلام چاہیے, ان شاء اللہ کافی سب ووٹ اسلام کے حق میں جائے گا. ہاں نواز صاحب کو جمہوریت سے کوئی محبت ہوگی, عبد النظیم صاحب کو محبت ہوگی, اس لیے کہ ان کے چوتھے جمہوریت ہی میں پورے ہو سکتے ہیں. اسلام آئے گا تو پھر تو دال روٹی کے گزارا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے میدے میں گنجائش نہیں ہے دال روٹی کے لیے. دیکھا آپ نے ملا عمر کے دسترخوان پر جو چائے آتی ہے آپ اس کا ایک گھونٹ بھی برداشت نہ کر سکیں گے. چائے کے نام پر موٹے موٹے گھاس کے پتے ہوتے ہیں بس. وہ سپریم اور نکسن اور جو بکواس یہودیوں کی پروجیکٹ افغانستان میں نہیں آنے دیتے, وہ تیارے کے اغوا کے سلسلے میں یو این او کا بھی موقع ہوا,
वाजपेयी की भी धोती खराब हुई, आज तक जवाब नहीं बन पड़ा। चुराई हुई चीज तुम्हारे घर में पहुंची, वापस क्यों कर दी? अल्लाह ने इनको जलील करना था। अमृतसर से जहाज उड़ा नहीं था, उड़ाया गया था, वरना उसे रोकने के लिए सिर्फ एक जीप आगे खड़ी कर देते, वो मुंह न कर सकता, हिल न सकता। लेकिन अल्लाह को यही मंजूर, वो लाहौर आया, लाहौर वाले क्यों बिठाए इस मुसीबत को, उठाया उसे, चलो क्या तो बढ़ेगा, वो क्यों बिठाए? वहां से सीधा कंधार गया। फितरत ने कहा ठीक जगह है, यही सबकी तबीयत ठीक होनी है। UNO का भी मुकाला हुआ, वाजपेयी की भी तबीयत साफ हुई, तालिबान से अल्लाह ने वो काम लिया। अब कनाडा ने तारीफ की, जापान ने तारीफ की, जर्मनी ने तारीफ की, अकवाम मुत्तहिदा ने तारीफ की, यहाँ इंग्लैंड ने तारीफ की तालिबान की, बहुत अच्छे इंसान नवाज है, इंसानियत का फर्म रख लिया इन लोगों ने। और सबे दबे अल्फाज में यहूदी कलिंटन ने भी कहा, और यह वेरी गुड, इससे बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी मजबूरन कहना पड़ा उसे, और यह वेरी गुड। कुरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आलम इंसानियत को हुक्म की जरूरत नहीं, कुरान चाहिए। कुरान ने कल भी इंसान की डिग्री बनाई थी, कुरान आज भी इंसान की डिग्री बना सकता है। इकबाल कहता है तू नमी दानी, तू नमी दानी के आई ने तुझी, तू नमी दानी के आई ने तुझी। अभी कह जी एक बार याद से ताल्लुक रखने वाला दोस्त, हाँ अच्छा आए हुए हो, जरा खड़े होकर तो दिखाओ, शाबाश शाबाश, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इकबाल को जरूर पढ़ा करो, बड़ी प्यारी बातें करता है, बड़ी प्यारी बातें करता है इकबाल। फरमाया तू नमीदानी के आईने तुझी, देर कर दू सिर तमकी ने तुझी। समझ तो आ रही है ना? हाँ जी, बड़ी समझ आ रही है, बड़ी, सारे के सारे अरबी और फारसी के माशाल्लाह बादशाह थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ एवर वंडरफुल यू आर, समझ आ रही है ना? हाँ, ये तो हमारी अपनी जुबान हुई ना जी। तू नमी दानी के आई ने तुझी, तुझे नहीं मालूम तेरा आईन क्या है, तेरा दस्तूर क्या है, तू नमी दानी के आई ने तुझी। जेरे गर्दू आसमानों के नीचे सिरे तमकी ने तुझी, तेरी मजबूती का राज किसमें है, आप आ किताबे जिंदा, आ किताबे जिंदा, आ किताबे जिंदा जिंदा। पूछिए तेरा नाम क्या है, कहता है बल हुआ कुरान मजीद। पूछिए तेरा घर कहाँ है, कहता है सीलो हिम्मत। पूछिए किसने भेजा है, बोलता है तंजील मिन रब्बिल आलमीन। पूछिए कौन लाया है, कहता है नजलत ही रूहुल अमीन। पूछिए काज क्या है, मिशन क्या है, क्यों आए हो, कहता है हुदल्लिल आलमीन। पूछिए कब आए हो, कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। पूछिए ये तो महीना बताया, लम्हा बता, वो घड़ी बता, बोलता है फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। पूछिए किन के लिए आया, बोलता है हुदल्लिल मुत्तकीन। पूछिए किसका दिल पे आया, मोहम्मद मैं हक को सदा
طاقت کے عالمی برہان محمد عربی کے قلب پہ اترا ہوں. جس زمانے میں آیا اس زمانے کو بلند کر دیا, جس امت کے لیے آیا وہ امت بلند ہو گئی, جس رات میں آیا وہ ہزاروں راتوں میں بلند ہو گئی, جس رسول پہ آیا وہ سب رسولوں کا امام بن گیا. یہ کہتا ہے مجھے پڑھو نا, تمہاری جہنم کو جنت سے بدل دوں, مجھے یاد کرو حفظ کا کریں دلواؤں, مجھے حسین کر کے پڑھو قاری کا کریڈٹ دلواؤں, مجھ کو سمجھو عالم بناؤں, مجھ پہ عمل کرو متقی بناؤں, میری عزت کے لیے لڑو مجاہد بناؤں. راولپنڈی کے راسن دلیرو قرآن مجاہد پہ یہاں کرتا ہے یا مجاور؟ سوچ کر پھر سوچ کر, قرآن سے مجاہد بنتے ہیں یا مجاور؟ صحابہ مجاہد تھے کہ مجاور؟ یہی تو شان ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم نے مجاہد تیار کیے کل بھی آج بھی, صدیق اکبر سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک کوئی ایک بھی مجاور نہ مجاہد نہیں بنے گا. اور اگلی ایک بات اور بھی چھوڑنا چاہے بھیشن, مشرق کبھی مجاہد نہیں بن سکتا, مشرق کبھی مجاہد نہیں بن سکتا. مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا شرط ہے, مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا شرط ہے. سوئی کے سوراخ کو اونٹ گزر سکتا ہے, مشرق مجاہد نہیں بن سکتا. لٹیرا بن سکتا ہے مشرق, لٹیرا بن سکتا ہے, تعلیم فروش بن سکتا ہے, جبہ پوش بن سکتا ہے, پیرے طریقت بن سکتا ہے, مریدوں کی جیب پر نظر رکھ سکتا ہے, وہ کچھ نہیں بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکل رہا ہے. مجاہد نہیں بن سکتا. فرمایا کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزالت تو قدیم, تو یعنی دانی کہ آئینے تو چیز, زیر گردوں سرے تمکینے تو چیز, کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولی عدالت تو قدیم, رہتنا رہتنا اب حفظ او رہبر شدن, دنیا پہ راہبر اس سے وابستہ ہو کر راہبر بن گئے, راہ کا نام اب حصے ہوں راہبر شدن, اب کتاب صاحب دفتر شدن. یہ قرآن ہے, اور صاحب قرآن شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باہر والے بھی اوپر والے بھی, اوپر والے تو ویسے بھی اوپر والے ہیں. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. ہاں اس کو مستی کے سفر میں میرے ساتھ چلو, تھوڑی سی دیر کے لیے انا سے نکلاؤ, تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے سفر میں میرے ساتھ چلو, شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول, دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول, جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جائزہ لیا, اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا, من قضا نحبہ ومن ینتظر, کون زندہ رہا
और कौन मंजिल को चल दिया जायजा लिया तो एक बूढ़ा मुजाहिद नजर न आया। 70-80 साल बूढ़ा साद इब्ने रबी नजर न आया। फरमाया मेरा साहब कहाँ है, जरा जाओ ना गंजे शहीदा में जाके देखो, शहीद हो गया है या जख्मी है। एक अंसारी मुजाहिद उठा, खोद के गंजे शहीदा के किनारे पे खड़े होके कहा साद इब्ने रबी जिंदा हो तो जवाब दो। कोई जवाब ना आया, फिर कहा साद इब्ने रबी जिंदा हो तो जवाब दो, कोई जवाब ना आया। अब तीसरी मर्तबा कहता है साद इब्ने रबी जिंदा हो तो जवाब दो, तुम्हें रहमत आलम याद करते हैं। इस पर एक हाथ बुलंद हुआ, बिखरी हुई लाशों में से एक लाश का हाथ बुलंद हुआ, और तो किसी के लिए जिंदा नहीं लेकिन अगर महबूब ने याद किया है तो चंद सांसें अमानत है उनकी। वो मुजाहिद करीब आया, देखा टूटा हुआ है जख्मों में, जिस्म टूटा हुआ है जख्मों में, नहाया हुआ है खून में, लेकिन साद के बूढ़े चेहरे पर राहत और मुसर्रत और वकार की जवानी चमक रही है। यह है लज्जत आसमानी। इकबाल कहता है ना, ये राजी ये तेरे पुरस राए जिन्हें तूने बख्शा है जोते खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरियाओ सहरा चिमट कर बहार इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आसमानी। न महल न कोठियां न बंगले न बैंक बैलेंस वो चाहिए और उसकी रजा चाहिए। करीब आया देखा जख्मों में टूटा हुआ है साद। इब्ने रबी ने कहा अकाश चल सकता, अकाश चल सकता, अपनी सांस पर परवाना वार हाजिरी देता, लेकिन देख चलने के काबिल नहीं। मेरे आका से सलाम अर्ज करना, मेरे आका से सलाम अर्ज करना और कहना अल्लाह के महबूब आसमान के सितारों से ज्यादा, सहरा के दर्रों से ज्यादा, सारी दुनिया के दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, समंदरों दरियाओं नदी नालों और बारिश के कतरों से ज्यादा, फरिश्तों से ज्यादा, हर अदब से ज्यादा तुझ पर अल्लाह की रहमतें हूँ दरूद सलाम हूँ। ऐ मोहसिन आजम हम मुजावर थे, तूने हमें मुजाहिद बना दिया। हम हलवाई थे, हम जिसे प्लेट उसे मौलवी साहब कहते हुए, हम हलवाई थे तूने हमें सजाई बना दिया, हम हर जाई थे तूने हमें यक जाई बना दिया, हम मौत से डरते थे ऐ मोहसिन आजम अल्लाह की अनगिनत रहमते हो तुझ पर, तूने जिंदगी का वो राज समझाया कि अब मौत हमसे डरती है। लालपिंडी के वसन जमीरो सबको मौत मारती है, अमानत है ये जुमला मेरा, सबको मौत मारती है, शहीद मौत तो मार डालता है, शहीद मौत को मार डालता है। जिसका हर तेवर है हुक्म आसमानी वो रसूल, मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो रसूल, महफिले सफा कियो महफिले सफा कियो दहशत का बरहम कर दिया, जिसने खूना शाम तलवारों को मरहम कर दिया, फक्र को जिसने हर हाथ कज कुलाही वो रसूल, गल्ला वालों को अता की जिसने शाही वो रसूल, जिसकी एक एक सांस
قانون الہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ اچھی چیز ہے یہ بھی، دل و نگاہ کی صفائی کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس سے امریکہ نہیں ڈرتا، میں نے 50 سال یہ پڑھی ہے، ابھی تک وہ نہیں ڈرا۔ میرے مجاہدوں نے ایک دن وہ اٹھائی ہے، موشن لوز ہو گئے باپ کے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس لیے عشق کے دعوے داروں سے کہتا ہوں، شیرینیاں بہت کھانی ہے تو نے، آپ تجھے میں عشق کے سفر پہ لے چلوں افغانستان کشمیر، تجھے پتا چلے عشق کس کو کہ عشق سے تعارف بھی ہو جائے گا اور توند بھی ذرا کام ہو جائے گی۔ یہ جو پاکست بنے ہوئے ہو، خدا کی قسم حلقہ رسالت میں مجھے ایک بھی فرد ایسا نہیں نظر آتا جس کی توند نکلی ہوئی ہو، جس کو بھی دیکھتا ہوں سمارٹ ملتا ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے یہ ہرا میں آنا اور جانا، ہرا میں آنا اور جانا، جبل نور پہ جا کے دکھائیے نا۔ میرے ساتھ کچھ نوجوان تھے انگلینڈ سے آئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آئے چلتے ہیں جبل نور پر۔ میں نے کہا میں تو کئی مرتبہ گیا ہوں، تو ہم جاتے ہیں۔ میں نے کہا آرام آرام سے جاؤ جی حضرت، ہم ابھی جاتے ہیں اور ابھی آتے ہیں۔ تو شروع میں دوڑے ذرا، ابھی تو تیسرا حصہ بھی نہیں کیا، میں نیچے کھڑا ہوں وہیں سن رہا ہوں ان کے تنفس کی جلالت، وہ جو سانسیں اکھڑی، کہنے لگے صاحب ہم مرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا اچھی جگہ ہے مرنے کے لیے، بہت اچھی جگہ ہے، اس جگہ پر سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ مرنے لگے ہو تو بہت اچھی جگہ ہے مرنے کی، وہیں سے واپس آئے، اوپر نہیں جا سکے، واپس آئے۔ انگریزی میں کہنے لگے وہ رحمت عالم کس طرح چاہتے تھے، ہیلی ہیلی بہت پاورفل تھے رحمت عالم، سٹل مین تھے۔ میں نے کہا سٹل مٹل مین یہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے شریف بھی ہیں، سب سے بڑے امین بھی ہیں، سب سے بڑے صادق بھی ہیں، سب سے بڑے رحمت بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے متقی بھی ہیں، اور سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے طاقتور بھی ہیں۔ ساری کائنات کی قوت تنہا آمنا سیلاب کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور سارے جہان کا علم تنہا رحمت عالم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہر خوبی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ میرا خیال میں ہم نے بہت سی باتیں کر لی ہیں، گھڑی 11 بجانے کو آ گئی، انشاءاللہ زندہ رہے تو کل بھی کچھ باتیں ہوں گی، دوست آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہاں ختم نبوت کانفرنس ربوا میں، اب جس کو ہم چلاد نگر کہتے ہیں، 8 اکتوبر کو میں نے یہ بیان کیا تھا۔ اللہ نے عجیب باتیں کروا دی، ایسی باتیں کروائیں کہ جن کا نتیجہ 12 اکتوبر کو نکلا ہے۔ یہ ذرا سن لیجیے گا آرام سے، بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو پھر کہ آپ نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت مکمل سن لی، مکمل کر لی، اللہ ایسی بہت سی ساتھ سے آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے بہت سے دوست جو دور دراز سے آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل لیاقت با کس وقت پہنچنا ہے، پہلے 10 نا، پھر وہی بات، ٹائم کا خیال کیجیے گا، پہلے 10۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق حبب إلينا الإيمان وزجنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المصلحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما دنیا اسلام کو کفر کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما فلسطین چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اے کاش جغرافیہ اجازت دیتا تو صرف ہم دعا نہ کرتے چچنیا کے بھائیوں کے ساتھ کچھ دعا بھی کرتے جغرافیہ بہت پیچیدہ ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ خوب ان کی مدد فرماؤ یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کو تاغوت کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما پاکستان کو اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و معمون فرما اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما جمہوریت نے ہمیں لوٹا ہے 50 سال نصف صدی تک لیڈر مضبوط اور قوم مقروض لیڈر مضبوط ارب پتی کھرب پتی اور قوم مقروض یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما ہمیں اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما اسی کی تلاش میں اسی کی طلب میں اسی کی آرزو میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے جوئے خون سے گزر کر آزادی کی منزل حاصل کی تھی اے اللہ ہماری یہ نعمت ہمیں دائمی ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا کیے رکھ اور اس نعمت میں اسلامی آئین کا رنگ بھر دے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا خلافت راستہ کے عادلانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما اس مرکز کے لیے دعا کرتا ہوں ایک طویل عرصے کے بعد میں یہاں آیا